गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे विल बी लर्न अबाउट चैप्टर 3 मल्टीप्लिकेशन वर्ड प्रॉब्लम, पेज नंबर 61, एक्सरसाइज 3.6, क्वेश्चन नंबर 1। इन अ गेम शो सुमित स्कोर 4340 पॉइंट्स, अर्नव स्कोर 7 टाइम्स एज मैनी पॉइंट एज सुमित, हाउ मैनी पॉइंट्स डिड अर्नव स्कोर। ओके, हेयर एक गेम शो में सुमित जो स्कोर करता 4314 पॉइंट्स, ओके, एंड अर्नव स्कोर 7 टाइम एज मैनी पॉइंट एज सुमित, मींस जो अर्नव है वो 7 टाइम्स ज़्यादा स्कोर करता है सुमित से। सो हाउ मैनी पॉइंट्स डिड अर्नव स्कोर, तो वह अर्नव कितने पॉइंट्स उसको मिलते हैं, है ना। सो सॉल्यूशन इज सुमित स्कोर्स 4314 पॉइंट्स, ओके, वन टाइम सुमित स्कोर द वन टाइम एंड अर्नव स्कोर द सेवन टाइम, हाउ मेनी टाइम, सेवन टाइम। सो वी राइट हेयर 4314 सेवन टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जो अर्नव है वो 7 टाइम्स ज़्यादा स्कोर करता है सुमित से, ठीक है, है ना, 7 टाइम्स मोर करता है। तो वी राइट हेयर अर्नव स्कोर वन टाइम 4314 एंड अर्नव स्कोर 7 टाइम, देन सो वन टाइम स्कोर 4314 एंड 7 टाइम स्कोर 4314 मल्टीप्लाई बाय 7, है ना, 4314 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28, 8 कैरी 2, 7 1 जा 7 प्लस 2 9, 7 3 जा 21, 1 कैरी 2, 7 4 जा 28 प्लस 2 30। सो अर्नव स्कोर इज 30,198 पॉइंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। अ टैंक कैन होल्ड 3,645 लीटर्स ऑफ वाटर, एक टैंक है जिसमें 3,645 लीटर वाटर आता है, हाउ मच वाटर कैन 13 सच टैंक होल्ड, यदि 13 ऐसे टैंक आ जाए तो उसमें कितना पानी आएगा, ठीक है, वन टैंक्स का ऑलरेडी गिवन एंड 30 मोर का फाइंड करना है, ठीक है। तो ज़्यादा का जब फाइंड करना रहता है हमको तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और वन का जब करते तब डिवाइड करते हैं। तो हेयर गिवन द वन टैंक एंड फाइंड द 13 सच टैंक, हेयर सॉल्यूशन इज वन टैंक होल्ड 3,645 लीटर, एक टैंक में 3,645 लीटर्स वाटर आता है, एंड देन सो 30 टैंक्स होल्ड वाटर 3,645 मल्टीप्लाई बाय 13, ओके, सो हेयर 3,645 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 5 जा 15, 5 कैरी 1, 3 4 जा 12 एंड 1 3 कैरी 1, 3 6 जा 18 एंड 1 9 कैरी 1, 3 3 जा 9 एंड 1 10, देन 3,645 मल्टीप्लाई बाय 10, देन दिस 0 पुट हेयर, देन 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, ओके, देन आफ्टर वी एडेड 5 प्लस 0, 5 3 3 प्लस 5 8 9 प्लस 4 13, 3 कैरी 1 हेयर, 6 प्लस 1 7 एंड 3 प्लस 1 4, 47,385 लीटर वाटर्स 13 टैंक होल्ड, है ना, जो 30 टैंक में इतने लीटर वाटर आता है, 47,385, ओके। नाउ थर्ड वन, अधीरा, हेयर राइट द अधीरा, अधीरा स्पेंड रुपीज 4,305 ऑन गोर्सेस इन जून, हर्षा स्पेंड 3 टाइम एज मच एज अधीरा, अवनीश स्पेंड रुपीज 1,290 मोर देन हर्षा, हाउ मच डिज अवनीश स्पेंड ऑन द ग्रोसियस इन जून। फर्स्टली अधीरा जो ग्रोसियस में लेती है, स्पेंड करती है जून के मंथ में, वो है 4,305 रुपीज, ठीक है, इन जून। फिर हर्षा स्पेंड 3 टाइम्स, कितने टाइम स्पेंड करती है, 3 टाइम्स, तो फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंड 3 टाइम, ठीक है, और ये अधीरा सिर्फ वन टाइम करती है। नाउ अवनीश स्पेंड 1,290 मोर, जो अधीरा है, सॉरी जो अवनीश है वो
4305 थ्री टाइम्स तो करती है, देन 1290 और ज़्यादा स्पेंड करती है। तो हाउ मच डिड अवनीस स्पेंड ऑन ग्रोजियस इन जून, मतलब जो अवनीस है वह जून के मंथ में कितना ग्रोजियस लेती है, स्पेंड करती है। सो नाउ हियर अवनीस स्पेंड 4305 थ्री टाइम, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12915, 3 5 जब 15 वन कैरी वन है ना, सो ना पुट हियर वन, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो हर्षा स्पेंड 12915। ओके, जो अवनीस है वो 1290 मोर करती है, तो 5 + 0 5, 9 + 0 0 कैरी वन है ना, 10 + 2 12, 1 1 2 + 1 4 and 1, सो अवनीस स्पेंड 40205 इन जून। ओके ओके, नाउ हेयर कंप्लीट द एक्सरसाइज 3.6। नाउ एक्सरसाइज 3.7 पेज नंबर 62, कंप्लीट द टेबल बिलो। हेयर राउंड ऑफ द टू डिजिट नंबर टू द नियरेस्ट 10, ओके, टू डिजिट नंबर नियरेस्ट 10, देन थ्री डिजिट नंबर टू द नियरेस्ट 100, टू डिजिट जो है वो नियरेस्ट 10 होगा, नियरेस्ट 10, थ्री डिजिट नंबर नियरेस्ट 100, और फोर डिजिट नंबर आपका होगा नियरेस्ट 1000 फाइंड करना है, ठीक है। तो हेयर फर्स्ट क्वेश्चन इज 1156, फोर डिजिट है, इसको हम क्या करेंगे, नियरेस्ट जो फोर डिजिट है उसको हमको नियरेस्ट 1000 करना है, फाइंड करना है ना, और टू डिजिट को नियरेस्ट 10 करना है, ठीक है। सो हेयर 1156 का जो नियरेस्ट 1000 होगा वो क्या होगा, इसका होगा 1000, ठीक है, और जो 26 है, 26 का नियरेस्ट 10 होगा वो क्या हो जाएगा 30, तो 1000 इंटू 30 एस्टीमेट प्रोडक्ट, इट इज़ द एस्टीमेट प्रोडक्ट है ना, तो 1000 इंटू 30 30000। अब एक्चुअल वैल्यू जो इसकी जो नंबर्स गिवन है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो वी फाइंड द एक्चुअल वैल्यू, तो 30056 है ना, 6 6 जा 36, 6 कैरी 3, 6 5 जा 33, 3 कैरी 3 अगेन, 6 1 जा 6 एंड 9 6 1 जा 6, 2 6 जा 12, 2 कैरी 1, 2 5 जा 10, 1 कैरी अगेन हेयर, 2 1 जा 2 एंड 3 2 1 जा 2। ओके, सो नाउ 6 3 + 2 5, 9 + 1 0 कैरी 1, 6 + 3 9 + 1 0 अगेन एंड 1 3, सो नाउ हेयर 30056, और जो एस्टिमेट वैल्यू है वो भी कितनी है 30000। ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हेयर 2630 इज द नियरेस्ट, फाइंड द नियरेस्ट 1000 है ना, और 23 नियरेस्ट 10, ठीक है, फोर डिजिट है इसलिए फोर नियरेस्ट 1000 एंड टू डिजिट है तो नियरेस्ट 10। 2630 नियरेस्ट 1000 इज 300, वाई, बिकॉज 630 इज मोर देन 500 है ना, हम इसको किससे कंपेयर करेंगे 500 से, और नियरेस्ट 10 को हम करेंगे 5 से, तो यहाँ पे जो 3 है वो लेस देन लोअर 100 में आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 20, ठीक है, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 20, हेयर एस्टिमेट वैल्यू 60000। ओके नाउ एस्टिमेट वैल्यू, ओके, एंड एक्चुअल वैल्यू कि जो नंबर आपको दिया गया है उसका एज इट इज़ आपको मल्टीप्लाई करना है, 300, 33 जा 9, 36 जा 188 कैरी 1, 32 जा 6 एंड 7, नाउ हेयर वी पुट द 0, 200, 23 जा 6, 26 जा 12, 2 कैरी 1, 22 जा 4 एंड 5, 0, 9, 8 एंड 6 14, 4 कैरी 1, 8 + 2 0 कैरी 1 6, सो आंसर इज 60419, इट इज़ द एक्चुअल प्रोडक्ट है ना, ये आपकी क्या हो गई एक्चुअल प्रोडक्ट, एंड 60000 इट इज़ द एस्टिमेट प्रोडक्ट। ओके, कम डाउन द थर्ड वन, हेयर
18,000, 1,815. अगेन वी फाइंड आउट द नियरेस्ट 1,000, ठीक है, एंड 33 नियरेस्ट 10. 1,850 nearest 1,000 is the answer is 2,000 because here 850 is greater than 500, तो ये upper hand upper 1,000 में जाएगा. ओके, नाउ हेयर 33 nearest 10 is 30. ओके ओके, नाउ 3 2 6 60, देन 30, put the 30. Okay, so now estimate value is 60,000 and actual value 1,850 multiplied by 33. So 3 se hum karenge 300, 3 5 15 5, carry 1, 3 8 24, and 125 5, again 2, 3 2 3 1 3, and 5 plus 2 5, तो 5,550. देन अगेन 3 का 5,550. देन वी एडेड 0 5 5 5 10, 0 carry 1 5 5 10 11 1 carry 1, एंड 60. आंसर इज 61,050, है ना. इट इज़ द एक्चुअल वैल्यू, इट इज़ द एक्चुअल वैल्यू, एंड इट इज़ द एस्टिमेट वैल्यू, इट इज़ द एस्टिमेटेड वैल्यू. ओके, ना थर्ड वन, फोर्थ वन, 346 × 46. हेयर वी फाइंड आउट द नियरेस्ट 100, हेयर वी फाइंड आउट द नियरेस्ट 10. 346 वी कंपेयर द 50, है ना, सो देन लेस देन 50, तो इसका क्या हो जाएगा, लोअर 100. 300 × अब यहाँ पे 6 है, ग्रेटर देन 5 है ना, तो अपर 10, 50. अगेन मल्टीप्लाई 3 5 15, एंड पुट द 30. इट इज़ द एस्टिमेट वैल्यू, इट इज़ द एस्टिमेट वैल्यू. ओके, देन एक्चुअल वैल्यू 346 मल्टीप्लाई बाय 46, 6 6 जा 36, 6 carry 3, 3 4 जा 24, 24 and 3 27, 7 carry 2, 6 3 जा 18 plus 2 20. ओके, 20. Now 4 4 6 जा 24 4 carry 2 4 4 जा 16 17 18 8 carry 1 4 3 जा 12 and 1 13 6 plus 0 6 7 plus 4 11 1 carry 1 8 plus 1 9 2 plus 3 5 and 1. Answer is 15,916. It is the actual value and it is the estimate value. Okay, now question number 2, estimate the value of 2,896 × 21, है ना. ये आपको अब क्या करना है, हेयर वी गिवन द टू क्वेश्चन, एस्टिमेटेड वैल्यू वी फाइंड आउट द फर्स्ट एंड सेकेंड द एक्चुअल वैल्यू फर्स्ट. ओके, इट इज़ द ए एंड इट इज़ द बी, क्वेश्चन नंबर बी, देन कंपेयर विथ योर एस्टिमेटेड आंसर. ओके, आपको एस्टिमेटेड आंसर से आपको कंपेयर करना है, क्या इट इज़ द रीजनेबल, यस, है ना. तो फर्स्टली 2,896 मल्टीप्लाई बाय 21, तो 2,896 वी फाइंड आउट द नियरेस्ट 1,000. ओके, एंड टू डिजिट 21 नियरेस्ट 10, वी फाइंड द नियरेस्ट 10. सो 2,896 का क्या है, 896 ग्रेटर देन 500, सो अपर 1,000 में आ जाएगा ये 3,000 × 21, लोअर 1,000 में आ जाएगा 20. ओके, देन मल्टीप्लाई बाय 60,000, है ना. इट इज़ द एस्टिमेट वैल्यू, इट इज़ द एस्टिमेट वैल्यू. ना एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू 2,896 मल्टीप्लाई बाय 21, 1 6 जा 6 1 9 जा 9 1 8 जा 8 1 2 जा 2, देन वी पुट द 0, 2 6 जा 12, 2 carry 1, 2 9 जा 18 and 1 20 19 9 carry 1, 2 8 जा 16 and 1 17 7 carry 1, 2 2 जा 4 and 5. ओके, देन वी एड 6, 9 plus 2 11, 1 carry 1,
10 plus 8, 18, carry 1, 8 plus 2, 10, 0, carry 1, 60. So now here 60,816, okay, ठीक है. और जो आपका एस्टिमेट वैल्यू है वो 60,000, एंड जो आपका एक्चुअल वैल्यू है इट इज़ द 60,816. ओके, नाउ हेयर कंप्लीट द एक्सरसाइज 3.3 इन चैप्टर थर्ड मल्टीप्लिकेशन. वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना. हमने इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, फर्स्टली प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ओके, द मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर बाय 100, 10, 1000. ओके, एंड डोंट वी ऑलरेडी नो द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 11 to 15. ओके,